कृषि बिल 2020 दोनों सदनों के पास होने के बाद भी देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। झारखंड में भी इस बिल को लेकर काफी रोष देखने को मिल रहा, वहीं आरजेडी ने भी इस बिल को लेकर विरोध जताया। आपको बता दें कि आरजेडी पार्टी द्वारा बिल के खिलाफ राजभवन के समीप विरोध प्रदर्शन किया गया। राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना किया गया। अभय सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों को उजागर करने का काम किया है। जहां एक ओर किसान आत्महत्या कर रहे, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार किसानों को भी निजीकरण की ओर ले जाने का प्रयास कर रही, जिसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करती है। केंद्र सरकार गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो केंद्र में बैठी सरकार है वो किसान को भी निजीकरण की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल घोर विरोध करता है। चूंकि किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो उचित मूल्य से उसको महरूम रहने का काम करने का योजना है, किसान को मारने का योजना है। और सही दिशा, सही जो बात है कि एक निजीकरण की ओर एक पहल है, कि जिस तरह देख रहे हैं कि चाहे वो रेल हो, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, चाहे आपका जितने भी संस्था हो, एक एक करके पूंजीपति के हाथों में सौंपने की जो तैयारी है उसी के दिशा में एक किसान बिल भी है कि लोगों को निजी हाथों में सौंपने का, एक तरफ से बिचौलियों का जो है बोलबाला होने का जो संभावना है। आज पूरा देश के सभी पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इस बिल के खिलाफ भारत बंद का योजना की है और सब लोग झंडा तो लगा हुआ है। रेल रोको अभियान से लेकर के देख रहे हैं कि पंजाब में किसान लोग रेल के पटरी पर बैठने का काम करने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे जो केंद्र में बैठी सरकार है वो पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है। वो चाहती है कि जिस तरह हमने सभी संस्थाओं को बेचने का जो काम किया है उसी तरह किसानों को भी, जो किसान अपने कर्ज के लिए, कितने कर्ज के लिए लोग मर गए, कर्ज माफी की बात मांग उठ रही है। किसान विरोधी जो बिल लाया है राज्यसभा में, जिस तरह से पारित किया है वो बिल्कुल तानाशाही है। राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं है, उसके बावजूद अध्यादेश ला करके बिना बहस के जिस तरह से ये लागू किया गया है वो सरकार का तानाशाही दर्शाता है। ये कह रहे हैं कि किसान के हित के लिए है, फिर क्यों पूरे देश की जनता, जैसा कि ये कर रही है एक दो जगह में, दिल्ली में, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब के सारे किसान इकट्ठा हुए लाखों की तादाद में, जिन पर लाठियां बरसाई गई। इसी तरह से साउथ में भी विरोध किया गया, बिहार की जनता तो अभी खुद बाढ़ से त्राहिमाम है। पर हर जनता के मन में, हर किसान के मन में इस बिल को लेकर के आक्रोश है और आज इसी के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। और ये सिर्फ एक चेतावनी है सरकार को कि ये ना समझे, जैसा कि मैम ने, इन्होंने पत्रकार महोदय ने
प्रश्न किया कि पूरे देश में एक दो जगह, तो उनकी इस बात को हम गलत बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसमें तमाम उत्तर भारत के जितने भी स्टेट के किसान थे वहाँ पहुँचे हैं। वैसे ही साउथ में भी हुआ है, वहाँ भी सारे किसान पहुँचे हैं, और आज यहाँ पे खड़ा होकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि झारखंड भी इस बिल का विरोध करती है, बिहार में भी विरोध हो रहा है, तो हर राज्य में इस बिल का विरोध हो रहा है, ये केंद्र सरकार जान ले। किसान की बात लेकर हमारा नेता क्या होता है, किसान की बात पहुंचाने का काम करता है। हर किसान को ला दें, कोरोना का समय है, नहीं लाए, लेकिन किसानों की बात आपको पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार है, हम जानते हैं कि इस समय में किस तरह से विरोध दर्ज कराना है, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनेगी तो किसान भी आएंगे। हम अभी सिर्फ यहाँ पे बोले, आज हमारा सिर्फ एक चेतावनी है और ये समर्थन है किसान आंदोलन को। अगर सरकार नहीं सुनती है तो संसद से सड़क तक ये आंदोलन जारी होगा, जारी रहेगा। और ये जैसा कि आपका प्रश्न है, हमारे हर जिला, अगले बार हर जिला, हर पंचायत में इसका विरोध होगा। न्यूज़ एम इंडिया से पूजा भारती की रिपोर्ट।